नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीवी नाइन पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज की ये कहानी तमिलनाडु राज्य के तंजावुर के रहने वाले राजा और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी की है। अभी यही कुछ 9 दिन पहले की बात है। भुवनेश्वरी और राजा एक बार फिर माँ बाप बने और इस बार तो उनके घर ये खुशियाँ डबल होकर आईं। घर में 2 जुड़वां बेटियों का आगमन हुआ। माँ और दोनों बेटियाँ एकदम स्वस्थ थे। बेटियों के जन्म को 8 दिन हो गए थे और राजा ने तो अब काम पर जाना भी शुरू कर दिया था। राजा पेंटर है। उस दिन सुबह ही राजा काम पर निकल गया था। माँ ने दोनों बेटियों को नहला धुला कर सुला दिया था। यही कोई 1:30 बजे का वक्त होगा जब भुवनेश्वरी घर का दरवाजा फेर कर बाहर बाथरूम तक गई थी। माँ की आराम से सो रही बेटियों की अचानक रोने की तेज आवाज आने लगी। माँ कमरे की तरफ भागी लेकिन दोनों बेटियाँ वहाँ नहीं थी। माँ की नज़र छत की तरफ गई, वहाँ की टाइलें बिखरी पड़ी थी और बेटियों के रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। माँ छत की तरफ भागी और वहाँ जो देखा उसकी तो चीखें ही निकल पड़ी। बंदरों का एक झुंड उनकी 8 दिन की एक मासूम बेटी को मुँह से उठाकर जा रहा था और दूसरी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। माँ का तो जैसे कलेजा ही मुँह में आ गया हो। उसे कुछ समझ नहीं आया, वो चिल्ला चिल्ला के रो रो के कहने लगी, मेरी बच्चियों को कोई बचा लो, मेरी बच्चियों को कोई बचा लो। भुवनेश्वरी की आवाज़ सुनी तो आस पड़ोस के लोग भागकर बाहर आए। बंदरों के हाथ में बच्ची थी, उनकी तरफ डंडा या पत्थर फेंका जाता तो बच्ची को चोट लगने का डर था। कुछ समझ नहीं आया तो लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद बंदरों ने बच्ची को वहीं छत पर फेंका और वहाँ से भाग गए। रोती भुवनेश्वरी अपनी बेटी की तरफ भागी, उसे सीने से लगाया, लेकिन अभी भी उनकी दूसरी बच्ची का कुछ अता पता नहीं चला। आस पड़ोस के लोग दूसरी बच्ची को ढूंढने में लगे। घर के आसपास खूब ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। कहीं से उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तभी किसी एक पड़ोसी की नज़र तालाब पर गई, दूसरी बच्ची वहीं पड़ी थी। आनन फानन में बच्ची को लेकर अस्पताल भागा गया लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, वो अपनी किस्मत को कोस रही है। अभी 8 दिन पहले ही तो भगवान ने उसकी झोली खुशियों से भरी थी और अब उससे उसकी एक बेटी छीन ली। भुवनेश्वरी की दूसरी बच्ची को थोड़ी चोट लगी लेकिन वो अब ठीक है, माँ ने उसे अपने सीने से लगा रखा है। लेकिन ताउम्र जब जब भुवनेश्वरी अपनी बेटी को देखेगी उसे उसकी जुड़वा बेटी की याद आएगी। ऊपर वाले का ये कैसा इंसाफ है, कभी खुशी देता है कभी गम। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।